त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले कविता वाचन गर्दाखेरि कुनै भाव अनुवाद गर्नु पर्दैन समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै यहाँनेर तपाईहरुले कुनै सम्बोधन गर्नु पर्दैन सिधै आउनुहोस् र तपाईहरुको कविता वाचन गर्दिनुहोस् तपाईहरुको जिल्ला नाम र भाषा केरे भाषा हामीले अगाडि नै सुनाइसकेको हुनाले त्यो तपाईहरुले दोहोर्याइ राख्नु पर्दैन यति भनिसकेपछि अब म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट यहाँ मातृभाषा सम्बन्धी 2077-78 सालमा प्रकाशित भएका केही कृतिहरूको विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र ती कृतिहरूको विमोचन कार्यक्रम रहेको छ यसै सिलसिलामा यस वर्ष यो साहित्य मातृभाषा विभागबाट यस पटक मातृभाषा कविता 2021 सिलुम्चे र सामाजिक प्रतिरोध सम्पादक राजेन्द्र महाजन मातृभाषा कविता महोत्सवको सम्पादक चाहिँ म आफै हो किराँत लोक साहित्य भाग एक भोगिराज चामलिङ दुरा जातिका लोककथाहरू मुक्तिनाथ घिमिरे नेवा लोक साहित्य छबु दुवाला शरद कसा त्यस्तै मातृभाषा मातृभाषा कोष र व्याकरण विभागबाट यस पटक मातृभाषाका रूपरेखा भाग दुई प्रकाशित भएको छ यसको विमोचन माननीय कुलपतिज्यू र माननीय प्राज्ञज्यू उपकुलपतिज्यू सदस्य सचिवज्यू सम्पूर्णले एकमुष्ट रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू सम्पूर्णले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु धन्यवाद अब म सिधै कविता वाचनतर्फ प्रवेश गर्दैछु र मैले भने अनुसार यहाँ पाँचजना कविहरूलाई मैले गोला प्रथाको लागि तयारी गरिसकेको छु र उहाँहरूलाई अग्र यहाँनिर आएर बसिदिनु हुनको लागि म उराव भाषाका कवि कुमारी सरना उराव अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु 18 मगर खामका राकेश बेम चिन्तन नेपाल भाषाका काशीराम विरस भक्तपुरका हुनुहुन्छ त्यस्तै सन्थाल भाषाका शिबु मुर्मु झापाका कवि हुनुहुन्छ बान्तावा राई भाषाका कवि सुमन राई धनकुटाबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ पछाडिको कुर्सीमा आएर तयारी अवस्थामा रहनुहुन आग्रह गर्दै सुरुमा म झापाका कवि सन्थाल कवि शिबु मुर्मुलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु शिबु मुर्मु सबैले ताली बजाएर स्वागत गर्नुको लागि आग्रह गर्दछु कविताना शीर्षकना सन्ताल समाज अल पढाउ गुवा बुन जत गिद्र स्कुल रे आबु कुडा कुडी बनार सामान लिकाते सन्थाल आबु अल पढाउ बाङ ते हुयु कान तबुना कुती कर्मी ता हुयु तबुना एटा हडा रे दिनम गी दुख मनमी हंडी पौरो ते बुन बुलु बगी हुयु तबुना आबु नित सन्ताल समाज केटेज रकाब लगी अरिचरी लाई लाक्चार जुगा हुयु तबुना आबु सन्थाल उपरुम जुगाउ जुगाजुग बन्चाउ लागि लाहा हुयु तबुना आबु सन्थाल समाज नपाए आर नवा समाज जनम लागि मा नितबुन जुटु आबु सन्थाल समाज सौता ताडम लहाइ लागि समाज रेङ्गे रेबुन ताहे कना नाना हुनर सन्थाल लहान्ती लागि हुयु तबुना
मेन मार्शल बड़ी हुई कुदबुन नेल ठिका तेबुन सुधर कुआ नपाई हुदिस हड़ कुबुन गड़ाऊ कुआ तीनों दिन बुन तहना अबू संथाल रेंगे दुख नचार कष्ट ताहे काते सेचेत बड़ाया बुन बिना हुयु अबू संथाल स्कूल दूर ना सिल्पिंग जी काते अबू रेन गिद्र हो चक्री कु दाड़िया ऑल पढ़ाओ तायम तायम सरकारी जागीर रे अबू ऑल पढ़ाओ बांग बुन ताहेलेंते तायनम लनाबो अबू नुआ दिसम रे बबुन पतिया आंधा पतिया कथा रे सीधा से समाज लहाकना लहाते आलो बुन हिड़िंग अपनार जति धर्म नगाम नुआ तिगी बुन लहा आगाम तीनों दिन बुन अबू संथाल इटा होड़ा हौली उड़ा रे तीनों दिन बुन तहना अबू संथाल इटा होड़ा हौली दका जम कते हस्त जोहार नमस्कार। धन्यवाद कवि शिव मुर्मूजीलाई। कविजीवहरूले आफ्नो कविता वाचन गरिसक्नु भए पछाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यातायातको खर्च यातायात खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। यो क्षेत्रतिर गएर आफ्नो यातायात खर्च बुझिदिनु हुनको लागि पनि म आग्रह गर्दै अब म बान्ताव राई भाषाका कवि सुमन राई जो धनकुटाको कवि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो कविता वाचनको लागि यहाँ हार्दिक आग्रह गर्दछु। सुमन राई। सेवाङमे उङका क्यानभासा लिसाङ्गो भा उफ उङका क्यानभासा लिसाङ्गो भा देमखा हारा ख्वा वायाङ लिङाखी उप्ला चुकमा वादा लेयाङ छुङ देमखा खाखुइत लिङाखी माकु चुकमा वादा मामा लिङा देमखा कल कला पेत्वो चाउवा लिङाखी कुछियो पेम मारिनिन पेत्सा खातलिङा देमखा नोमचुङ भुरु लिङाखी यवेत एप्ङा देमखा निनाम्माओ ओम्लो यावारी लिङाखी मुयुप्सा पेत्लुङ्गा देमखामो यावारियो वा लिङाकी मुक्सा वाताङ उफ उङका क्यानभासा लिसाङ्गो भा देमखा ढकामक्का वराओ सोम्बुङ लिङाकी मोडाओ टुक्खोक वा खात्मेङमा देमखा चुक्मावाओ धानी चुक्मावा लेङसा उङ हाक्पा रहस्यमय लिङा देमखा टुक्टाओ चुक्मावा लिङाकी कलाकात्मो लिङा देमखा पिकासो चुक्मादा कुक्चु चुक्मावा लिङाकी देममा लिङा देमखा मोसाओ छेमा निन्मो सोमदा सोङबुङ लिङाकी रुरुरुवा लिङा उफ उङका क्यानभासा लिसाङ्गो भा मेन उङकालो मुना मुन बड्डे सेवालुङ खारा टोकमा रिमिओ रेत्खा हुद्दा हाङमाली उङ बिमायु चेम्मायु हुम्मायु चामायु झारा झाराओ कङ हाङमाली चाम्मा खामली मुन बड्डे सायलुङ उङको खाडा उफ उङका क्यानभासा लिसाङ्गो भा आलाङ्गे। अलाङ्ने अर्थात् धन्यवाद सुमन राईज्यूलाई। उहाँले बान्तव राई भाषाको कविता वाचन गरेर यहाँदेखि बिदा भइसक्नु भएको छ। अब म नेपाल भाषाका कवि काशीराम बिरस जो भक्तपुरका कवि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। काशीराम बिरस। सुबह कविता बाँच्ने लागि सत दिउली जु बाँच्ने त त्यहाँ चिनाखया छ्याउख जीवन पुखु चिनाख थते सुरुजी जीवन्य आधार शिविरे जिनाप्पौँ अपि नजुवा त जीवन्य आधार शिविरे जिनाप्पौँ अपि नजुवा त नलिगो अभियाने त किन चुन जीवन्य आधार शिविरे जिनाप्पौँ अपि लजुवा त
नलीगु अभियाने तकेना चुन जी सोया चुना जी सोया चुना ध्याचले न्यालान चुंगुलु यात्रा अन्तर्द्वन्द जीवन आधार सिगे उत्सर्गे लेतापिन उत्सर्गे लेतापिन लजुआ त थ थवे कृष्ण खना चुना उत्सर्गे लेतापिन लजुआ त थ थवे कृष्ण खना चुना आजु नापन छु मतलब मरु आजु नापन छु मतलब मरु यात्रा यानासं यात्रा छु अर्थ मरु छु संवेदना मरु छु संवेदना मरु जीवन आधार शिविरे जिनापं ओपिन लजुआ त नलीगु अभियाने तकिन चुन बेमौसम या खदेरी बेमौसम या दबुली खदेरी जुया बेमौसम या दबुली खदेरी जुया बै याउ वाउ वाचाका बेमौसम या दबुली खदेरी जुया बै याउ वाउ वाचाका लेताया चुन जी धासा अज्ञानी हे छु माला चुना जी धासा छु छु जी धासा अज्ञानी हे छु माला चुना जीवन पुखु दुने लुकुम बिगु मिलायालु जीवन पुखु दुने लुकुम बिगु मिलायालु तकेंगु छमु सास तकेंगु छमु सास व जिमिखा खोया चुंगु खबी जीवन आधार शिविरे जिनापं ओपिन लजुआ त नलीगु अभियाने तकेना चुना जीवन या सिथे जीवन या सिथे नेलन चाया जीवन या सिथे नेलन चाया आक्का च्याकङ तकु स्वाया याउ समा माला चुना जीवन या सिथे नेलन चाया आक्का च्याकङ तकु स्वाया याउ समा माला चुना ग्या थुब्ले थो गुई ग्या थुब्ले थो गुई अथेसङ छमु सास मुना अथेसङ छमु सास मुना उन्मुक्त जीवन पुखु दुने सुला चुङ्गु मिला माला चुना उन्मुक्त जीवन पुखु दुने सुला चुङ्गु मिला माला चुना पुखुया इकोसिस्टम सोया चुना पुखुया इकोसिस्टम सोया चुना सन्दिग्न पुखुया तले माला चुना जीवन आधार शिविरे जिनापं ओपिन लजुआ त जीवन आधार शिविरे जिनापं ओपिन लजुआ त नलीगु अभियाने तकिना चुन जी सोया चुना ध्याचले न्या लाना चुङ्गुलु यात्रा अन्तर्द्वन्द सुबे धन्यवाद नेपाल भाषाका कवि काशीराम विरासज्यूलाई अब म आसन ग्रहणतर्फ फेरि जाँदैछु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा सदस्य एवं सञ्चार संयोजक शशी लुबुम्बुज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै हामीले अगाडि नै थाहा पाइसकेका छौँ कि 40 भाषाका 97 कविताहरू प्राप्त भएकोमा 46 कविहरूले कविता वाचन गर्न गइरहनु भएको छ र त्यो 97 छनौट गर्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ र त्यसको लागि मातृभाषा विभागद्वारा छनौट उपसमितिको गठन गरेको थियो र छनौट उपसमितिमा रहनुभएका सदस्यज्यूहरूलाई म क्रमशः नाम वाचन गर्दछु र अग्रस्थानमा तपाईँहरू बसिदिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गणेश राई डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी रमेश केवरत हंसावती कुर्मी कृष्ण भक्त बुढे गोपाल अस्क डाक्टर रामदयाल राकेश डाक्टर पुष्करराज भट्ट तिलक चामलिङ र म स्वयं पनि यो छनौट उपसमितिमा रहेको थिएँ यति भनिसकेपछि म अर्को कविज्यूहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो कविताको अन्तिम समय कविज्यूहरूलाई मात्र होइन सम्पूर्णलाई कार्यक्रमको अन्तसम्म नै बसिदिनु हुन आग्रह गर्दछु र कविज्यूहरूले ज जसले कविता वाचन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको यो
प्रमाणपत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट। त्यो प्रमाणपत्र चाहिँ यो कविताहरू वाचन गरिसकेपछि मात्र त्यो हस्तान्तरण गरिने सूचनासहित। अब म 18 मगर खामका कवि राकेश बीएम चिन्तनज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ रोल्पाका कवि हुनुहुन्छ, राकेश बीएम चिन्तन। जेरो ना कविता शीर्षकले ओल्डे हुन् कि जोछ्याम जोछ्याम नभाका सिधे नराख्या नै हो, जोछ्याम नभाका सिधे नराख्या नै हो, नसिउले चेतै सम्झे, जोछ्याम नभाका सिधे नराख्या नै हो, नसिउले चेतै सम्झे, चेतै सम्झेर सिधे नराख्या नै हो, चेतै सम्झेर सिधे नराख्या नै हो, गम र जुर र सर्वाई ओ ओ र नाजमाङ्क नाजमाङ्क नुकुई हल्लैले मलेस नफेर्ना हो, छेडाइ मनि बनै र चेतै सम्झे, नङ आबो खर्क ओल्दिन हुए, नङ आबो खर्क ओल्दिन हुए, छक्काल्ने सोडे सला नसिम नाओ नराङ्ग्याए, सिङ नडुनाओ नभे, डाला नपल्नाओ ननमे, नकसरे नगुर्याए, अजेल बनै छ चेतै सम्झेर, अजेल बनै छ चेतै सम्झेर, एङ नकियो नघोर कुमे, खर्कस मापोडे ननाकियो, खर्कस मापोडे ननाकियो, नगिङनी नङ्लै छ चेतैडे, दिन दिनगण्डी ह्यान्मी पिल झारी ज्यानी, दिनगण्डी ह्यान्मी पिल झारी ज्यानी, जुरे नाजी बेहाली रे, जुरे नाजी बेहाली रे, नख्यानयो नजिम्मे मनि धुलिया धुलिया दाडे, जुरे जुरे नाजी बेहाली रे, नख्यानयो नजिम्मे मनि धुलिया धुलिया दाडेले, आजमाङ्क यान्जोर हाइजु ऐज माडुनिया, यान्जोर हाइजु ऐज माडुनिया, नबाबु नआमैनी रिम्डाका छकाल्ने, रिम्डा छकाल्ने नएम जरङ्ज्यानी, गल्दे उलिक नख्यानै हो, गल्दे उलिक नख्यानै हो, नजालै ओल हाले लुज गुर्सु गुर्दे, गल्दे उलिक नख्यानै हो, नजालै ओल हाले लुज गुर्सु गुर्दे, मलेस नलिनाओ छेडा काइज, नज्यासनी नजानी दिन काज बनै रङसुन्झेनी, आबो पारलाई मास आटे चानो ओल्दे हुन्के नजिम नाङखार, आबो चानो ओल्दे हुन्के नजिम नाङखार। शाबास, धन्यवाद कवि राकेश बीएम चिन्तनज्यूलाई। अब म उराव भाषाको कविलाई यहाँ निम्तो दिनुभन्दा अगाडि पाँचवटा नामहरू यहाँ मैले तानिसकेको छु, अर्थात् यहाँ यो खोलिसकेको छु। शेर्पा भाषाका कवि आङदेन्दी शेर्पा भोजपुरका कवि हुनुहुन्छ, संस्कृत भाषाका कवि प्राणा विष्णु प्रसाद देवकोटा दाङबाट हुनुहुन्छ, तिन गाउँले थकालीका कवि रामबहादुर थकाली मुस्ताङ, त्यस्तै चामलिङ राई भाषाका कवि सहस्र राई खोटाङ, र थामी भाषाका कवि रूपा कुमारी थामी दोलखा। तपाईँहरू यो यहाँ राखेको कुर्सीमा आएर तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि आग्रह गर्दै अबको समय म कवि कुमारी शरणा उराव जो सुनसरीका उराव कवि हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। कुमारी शरणा उराव। ओ लगदान हो हुरमारिन आँखा कविता शीर्षक रही चुआ 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 बोहे चुआ काका हुर्मी पद्दा हुर्मी खोढ़ाती जगावा पद्दा गही आलारिन उठावा राजी गही आलारिन सिखावा लूर बुद्धि होरमारिन सिखावा लूर बुद्धि होरमारिन आदिवासी हिरी संरक्षण और विकास खतरे हो आगे नमह गही हक और अधिकार खतरे चुआ दादा चुआ भैरो आदिवासी आदिम कालती बसरका आलार रही नमह भाका न धर्म और संस्कृति
रही नमह रीति रिवाज और परंपरा, रही अपने वेशभूषा और पहिरन, इदिन उस्ता की उइना रही। होले राष्ट्र गई गही रहो नमह पहचान, होले राष्ट्र गही रहो नमह पहचान। चोए दई चोए आयो चोए ककी, जंगला खाड़ और जमीन ही के नमह संपत्ति, नाम पुजदत मन मास खाड़ और खेखलन। माँ अम्बा नमह भाखन संस्कीर्तन और धर्मन, इदी ही बेगर नमह जिंदगी मनो ऊहा माखा। आउंगे कहलार दत्त प्रकृति पूजक, चोए संगी संगियार और कुड़ुक समाज, टूडा बच्चा की मना आदिवासी समाज ही उत्थान, टूडा बच्चा की नना आदिवासी समाज ही उत्थान, टूडा आदिवासी पद्दा ही इतिहास। शासन सत्ता नु कमा नमह जगह, माँ लड़ा माँ झगड़ा रा माँ उइया इक, नाम हिक दत्त ओंद परिवार। नाना कथा नमह अधिकार गही, होरमार एका जोड़रा की, होले टूड़ा अंगोत बेलखानु आदिवासी इतिहास, होले टूड़ा अंगोत बेलखानु आदिवासी री इतिहास। धाइन वादन जय धर्मेश। धन्यवाद कवि शरणा कुमारी उरावजीलाई। अब म थामी भाषाका कवि रूपा कुमारी थामीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गर्न हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रूपा कुमारी थामीको अनुपस्थिति जस्तो देखियो, त्यसको लागि अब रूपा कुमारी थामी दोलखा। सखाले गई सेवा गई नाम गई नाम को रूपा कुमारी थामी थादु गई कविता को शीर्षक रिंग रिंग को भाव अमूल्य कुनकै भाव माथादु नाका ऋतु आल्ता रेङ बनै डुङ्गै मानै मा भाराइने टप्प कुन्तोले रेङ कुल्ला हुवासी किजी केसको कावासी दावासी मनै आठे नै आप्रासँग माहो समय चाकी धावासी आवासी रेङ नाङको खेन आइहाए पराइसितोले ए समय योतोले योतोले आनन्द तोको खेन मन्द मन्द नुहुदु रादु रादु टिला ऋतु सयपत्री रेङ पलैतुले रादु रङ्ग भरि तिहार रङ मखमली गोदावरी सुपारी फुल खम्चिङ्नु कान्टु भरि कोपिला नाङ झनै आप्रा मन आठे नै आप्रा खिङ आप्रा बनाइदु माल बाल त्यो नाङ्गा उछ्याग नादुको ताङ्ना मठ मन्दिर नेम दरबार सभा नेङको रेङको माला उन्नाइस ताले मागङ्गा नाङ सुधानी सुगरी फोकिदु मिलाइस ताले रेङको थुङ्गा थुङ्गा आँगा पिउदु रलोङ सेङ्दु पिउदु मौसम डेक रङ्गिङ्गा सा नातिम्दु नाप्तोले लाक भराइसिदुले झराइसिदु आप्राका चुचुरुङ्गो रेङको माला खम्सिम्दु खलाङ्गा मनुष्य चोलाङको अन्टे उलाम्ना रेङको माला सिधु मिको सरिङ्गा। धन्यवाद। धन्यवाद थामी भाषाका कवि रूपा कुमारी थामीज्यूलाई। अब म चामलिङ राई भाषाका कवि सहस्र राईज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ खोटाङका कवि हुनुहुन्छ सहस्र राई। आँगा रिसिया म टकी नुङ हिँगे मारी छ मामा कुङकुया मकैका मारी छ मामा कुङकुया मकैका मारी छ मामा म ऐनानो पापा म मट्टै गएका छ मामा म ऐनानो पापा म मट्टै गएका छ देनो दोसो न तारिङे नखोएनानी देनो दोसो न तारिङे नखोएनानी बैग दा पुङसा नि मालपोट दा पुङसा नि
सिम्पुस देखांगा नी नागरिकता दाखांगा नी पापा मो मत्तै नुंगे जोड़ा बैग दा पुंसानी मालपोट दा पुंसानी सिम्पुस देखांगा नी नागरिकता दाखांगा नी पापा मो मत्तै नुंगे जोड़ा जो सोनोटा कह का मामा मोइना नो पापा मो मत्तै कह का था जो सोनम रिंगी का मामा कुंकुया मो कह का मारी था जो सोनम रिंगी का मामा कुंकुया मो कह का मारी था पापा पारु होनी ना मामा मनाई मा है खा मा बोखा माता ए मुंधुम दा पापा पारु होनी ना मामा मनाई मा है खा मा बोखा माता ए मुंधुम दा मामा मनुं खांगानी न तो सिंपुस दे दा न तो नागरिकता दा मामा मनुं खांगानी न तो सिंपुस दे दा न तो नागरिकता दा जो सनम मामा कुंकुया मो कह का मारी छा मामा मोई नानो पापा मो मत्तै कह का छा मामा मोई नानो पापा मो मत्तै कह का छा चूरा को खिम छुईमा न खैपा म खिम दा पुंखा मारी छा चूरा को खिम छुईमा न खैपा म खिम दा पुंखा मारी छा खैपा म खिम दा पुंसे नाका चैले को मारी छा छावै खा मेसिन मारी छा जुखा मुखा मारी छा सेखा तेनाका छैपा ल्योको नुंपाइनाको चोकोङ मारी छा खैपा म खिम दा पुंसे नाका चैले को मारी छा छावै खा मेसिन मारी छा जुखा मुखा मारी छा सेखा तेनाका छैपा ल्योको नुंग पाइना को चोकोंग मारी छा जो सनम मामा मोई नानो पापा मो मत्ते कई का छा जो सनम मामा मोई नानो पापा मो मत्ते कई का छा वाची नाखो वापसो को सोरो मीना वामा सो को मारी छा वाची नाखो वापसो को सोरो मीना वामा सो को मारी छा वाड़ी मामोयो को मारी छा क्लिप ध्यो को मारी छा छाची चुंजो को मारी छा वापसो को माइसे को मारी छा वाड़ी मामोयो को मारी छा क्लिप ध्यो को मारी छा छाची चुंजो को मारी छा वापसो को माइसे को मारी छा जो सोनम मामा कुंकुया मोकई का मारी छा जो सोनम मामा कुंकुया मोकई का मारी छा तारा बुंगवे खा मारी छा राजा हवो खेवे खा मारी छा तारा बुंगवै खा मारी छा राजा हवै खा मारी छा सेखा ते नाका छैपा ल्योको मारी छा ओके नाखो सैलेको मारी छा ओक माइसे नि खुइसेलो तिरे नि सेखा ते नाका छैपा ल्योको मारी छा ओक माइसे नि खुइसेलो तिरे नि त्यो सनम मामा कुंकुया म कैका मारी छा मामा मोइ नानो पापा म मत्तै कैका छा मामा मोई नानो पापा मो मत्तै कैका छ पापा मो मत्तै कैका छ अपछवारी हौवा हौवा चामलिङ भाषाका कवि सहस्र राईज्यूलाई उहाँ खोटाङबाट हुनुहुन्थ्यो अब म खोटाङबाट मुस्ताङतर्फ जाँदैछु मुस्ताङका कवि रामबहादुर थकालीज्यू जो तीन गाउँले थकाली भाषी हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु रामबहादुर थकालीज्यू यहाँ कुखे कविता शीर्षक हिमो मिन हिमो लसम 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 अथवा नयाँ वर्ष तिली भुम्ला नाङ्गा छिन्जे तिली भुम्ला नाङ्गा छिन्जे तिनी किन लसम आक्ला छैजे तिनी किन लसम आक्ला छैजे हिलको सोम मि ल्यागे चोम्जे हिलको सोम मिकी ल्यागे चोम्जे नाङ यम प्रे तजी सम्किचे छुजे नाङ यम प्रे तजी सम्किचे छुजे आस नै फेसी लो नङ्जे आस नै फेसी लो नङ्जे तुक्षा कोरोना मि लपोजे तुक्षा कोरोना ते मि म लपोजे नछवा शिवा नसा आफेतो नछवा शिवा नसा आफेतो मि तोङ्बा लो खया आखतो मि तोङ्बा लो खया आफेतो मि मिम्नाङना मि निल्ला म्याङ्चे मिम्नाङना मि निल्ला म्याङ्चे नसुङ खोसी मि प्रे मि चम्ची प्रजे नसुङ खोसी मि प्रे मि चम्ची प्रजे
चवा कमरा यम कोंची योजे चवा कमरा यम कोंची योजे साबुन क्यूब्रे याखुआ घेवा पानी तजे साबुन क्यूब्रे याखुआ घेवा पानी तजे अलाचिन कोराना लोसम्रे फ्याको अलाचिन कोराना लोसम्रे फ्याको निंसी टुलेनामा नई मिते कुको निंसी टुलेनामा नई मिते कुको मिसुंग घर मरे मेसु 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 रु घरवा मन केना फेदो लगो मेसु रु घरवा मन केना फेला लगो मिथ्योवा समनाए नोक्सान सम्ब मिथ्योवा समनाए नोक्सान थ्योवा नोक्सान सम्ब सम सम चाङ्गो सम सोन चाङ्गो धन्यवाद धन्यवाद कवि रामबहादुर थकालीज्यूलाई। अब म फेरि पनि पाँचजना कविज्यूहरूको नाम यहाँ तयारी अवस्थामा रहनुको लागि यहाँ निमन्त्रणा गर्दछु। दुरा भाषाका कवि सीता दुरा, थारू भाषाका कवि सावित्री चौधरी, डोटेली भाषाका कवि सरस्वती भात धामी, वाम्बुले राई भाषाका कवि एलिना वाम्बुले राई र भोजपुरी भाषाका कवि ऋतिक यादव। कृपया मैले वाचन गरेका यी नामहरू तपाईँहरू तयारी अवस्थामा रहनको लागि यो स्टेजमा राखिएको कुर्सीहरूमा आएर बसिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै अबको समय म शेर्पा भाषाका कवि आङडेङ्गी शेर्पाज्यूलाई आफ्नो भाषाको कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ भोजपुरका कवि हुनुहुन्छ। आङडेङ्गी शेर्पा। थुचे चङमला दे फेउ चङसली तङ जमलिङ तेरेल जो चङसली तरेल आङटेन ईश्वर गोपालमिङ छङनेमा टसिदले सुन टसिदले यहाँ अरिङ्केदे न्याचम के मिन शिवशक्ति छोरा न्याचम टि गोइ लसे न्याचम सुरु ल ने सु बोलेन दाजु छ लिचुम छोरो निचुम टी गई छुरुङ राङ राङ निचुम हिन छुरुङ राङ राङ निचुम हिन छोरो मिजी च्याङ्गु मिजी किसी दुक्सी सेम्बातिवा गरी 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 निचुम कि छार्तिवा हिन छोरो तङ्गु उकी दाला टेम्बा सिम्बु खेन छोरो यापु तिङबी जेतिवाला तङ्भो ओनेमा तङ्भो ओनेमा जु कि मिजी मिजी लुतो चोछ्याकी लुङसा ठेकेन तङ्भो ओनेमा जु कि मिजी मिजी लुतो चोछ्याकी लुङसा ठेकेन छोरो मि जल्मनामा छोरो मि जल्मनामा नरी लाने ओतो नरी लाने ओतो ठपुङ्गी ओतो कङ्ग्री दिवा ल्याए ने लुङ्बी उकेप चोचे ने लुङ्बी उकेप चिङै तो क्यानेरङ छोरो निचुम गर्दै टिगो कि तो क्यानेरङ छोरो निचुम गर्दै टिगो कि छोरो सेम्बी दिङला छोरो सेम्बी दिङला चुक्याने जुवे सङ्गे चुम्देन चुक्याने लुनवे जम्लिङ तुक्रङ क्याने हामा डब्लाम चिङै कर्म ठपुङ्गी थुङ तुक्रङ क्याने आमा डब्लाङ चिङै कर्म ठपुङ्गी थुङ्गो काङथेप्ला चुम्लेक चुम्रेक गलो डम्बिलोला याकु च्याने थुङ्गो दिलुङबी लुङसा सलुङट्यु दिलुङबी लुङसा सलुङट्यु हनुङ सेम किर्मु च्याने टोङसिरी जो फमी मिलाम थोङसुङ छोरो छोरो मि जल्मनामा तु क्यानेरङ छोरो निचुम गर्दै टिगो कि तो क्यानेर छोरो निचुम गर्दै टिगो कि छुरुङ राङ राङ याचुम हिन छुरुङ राङ राङ याचुम हिन दि मिजिकी गेलुङ दि मिजिकी गेलुङ च्याङचु क्याने गोकियो चो
चिंगेरंग चाने चंचू चाने गोकियो चो चिंगेरंग चाने छोरो सेमजी चेनंगला छोरो सेमजी चेनंगला चाल जेकिन नियंचम नियंचम गोरते की सही टीम हो गुनुए नियंचम गोरते की सही टीम गुनुए तेकी जमीलिंग युगु तिवा मिजी मिजी सिंह तेकी जम्बुलिंग युगु तिवा मिजी मिजी सिंह हुंशिक साने तो क्यानेरंग छोरा नियंचम गोरते टिगु की तो क्यानेरंग छोरा नियंचम गोरते टिगु की तुझे तसिदले आंग दें निशर्वा गोपर में जी छोक नमा तुझे तसम ने जिम खंती सल्ला गुंसा बसपुर जोंखा नासुर तमा तसमती नाउचे कुमन नासुर तुझे धन्यवाद कवि आङदेङ दि शेर्पाज्यूलाई। अब म मध्य थारू अर्थात चित्तवनीय भाषा पनि भनिन्छ उहाँहरूको भाषालाई थारूका कवि सावित्री चौधरीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ चितवनबाट हुनुहुन्छ सावित्री चौधरी। नमस्कार, मोर कविता शीर्षक बढै मछुवारी सागेको बात। मछोरिया अरे मछुआरिन कहवा जाई बढ़हारे संग्रहालय के भितवा से निसक के जाल घऊ का डेली झोरी उठा के मछुआरी ढोंगरहरी रापती नारायणी यहाँ बढ़सु खोरसर इचहरनी केसरा वहाँ बढ़सु मछुआरी कठिहारी पुस्तैनी दोष सांगे विस्तार विस्तार बादक चस्नियामा यसनुक चिपकल्सु कि औलो उन्मूलन औलो हैनो मोर भेलौ विस्थापित भेलौ ज्ञान सिप माछरी चिच्चर पुवाका घोङ्घी कलदवद न नकगर रोटी बरेर खुवाटा खरपाला मोद साँगे न ककरहा कसिटन जितिया कछमटा फगुवा कडाँफु न मघौटा नाच देख ससु बदलाई क जीवन शैली डाँट के लड़ह जनावर सांगे बचहा बचोहा पर्यावरण सह अस्तित्व को बोध से प्रत्येक बरस बरमथनवामा हरियरी बरना क धके सुंग्रोह देवतावा के रक्षा कर हमार चराचर जगत कसके बिसराव के कसके बिसराव के ढोलक मानरिक ताल सभ गोड़ाई पैरिक थिरकन सभ जगोई रह सांस्कृतिक परंपरा सभ एनवरत बिन लिखाइल इतिहास सभ मुक्तिक दास तान सभ मेटाइल भूगोल क नाव सभ जगर के तुई यापन कहही जगर के तुई यापन कहही अपने भूमि मा कसके पराया भेलही अपने भूमि मा कसके पराया भेलही पुरुखक शान गौरवक इतिहास कह पुरुखक शान गौरवक इतिहास कह उ जल जंगल जमीन कहवा त उ जल जंगल जमीन कहवा त जहाँ तोर सांगे मुई निर्धक्क बात करे सकू जहाँ तोर सांगे मुई निर्धक्क बात करे सकू जहाँ तोर सांगे मुई निर्धक्क बात करे सकू। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सावित्री चौधरीज्यूलाई। कविज्यूहरूलाई म विशेष के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको आजन आज वाचन गर्नुभएका कविताहरूको सङ्गालो मातृभाषा कविता सङ्गालो 2022 भनेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अब निकट भविष्यमै त्यो किताबको रूपमा तपाईँहरूको कविताहरू छापिएर आउनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूको कविताहरू सम्पादन गर्नु परेमा पुनः सम्पादन गरेर र हामीले गोर्खापत्रमा पहिला सूचना जारी गर्दैखेरि के भनेका थियौँ भने तपाईँहरूको छोटो विवरण र फोटो पनि पठाउनु होला भनेका थियौँ। कतिपयको फोटो पठाउनु भएको छैन र पठाउँदाखेरि पनि अलिक ठुलो साइजको नभएर अटो साइजको फोटो पनि फेरि इमेल गरिदिनु हुन एक हप्ताभित्र इमेल गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै अब म
दुरा भाषाका कवि सीता दुरा ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ कास्कीका कवि हुनुहुन्छ। सीता दुरा, अलिक जोरदार ताली नउले स्वागत गरौँ। सीता दुरा, ह्याल आतो पजु मिका कुमारी गिनी हुई गिनी कविता गिनी फियोम लुङ लुङ जे होङ भा हाइनी डाम्सली जे ङेपो नामका तिरिसा जु हिमजा तिरिसा जे ह्याप्पा थापी पोगो माउदो माउदो बिन्था ग्ले ठ्याप्पी पो पुजु पो हाई माउदो च्यापी होङ तुरान्फी होङ तान्यापी पोजु पो हाई माउदो च्यापी होङ तुरान फी होङ ताम्पी पो पुजु पो चोङ जे ठ्यापु अ सीमारु पो हाई हिमच दोजा योम बोसा खेताङको छापिङको गाम आबो तोङ निधिपो नाउँदो नाउँदो साली तोङ नुजु सालीपो नाउँदो नाउँदो साली तोङ नुजु सालीपो बिन्थाताङ तोङ तिनी बासिङपो बिन्थाताङ तोङ तिनी बासिङपो माझी नलाइचु याचा जेपो याचानी दिख लापान्जिङी कुर्दापो निनी फिहोङ निनी रे खिन्ची किन बिदादो निनी फिहोङ निनी रे खिन्ची किन बिदादो निनी उही छोङे। धन्यवाद कवि सीता दुराज्यूलाई। अब म दार्चुलाका कवि सरस्वती भात धामीज्यूलाई आफ्नो डोटेली भाषाको कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सरस्वती भात धामी। धन्यवाद। मुहे सयनानलाई ढोक सलाम छ, मुहे नानानलाई आशिक छ भाग्यवान भया। मेरो कविताको शीर्षक छ श्री पञ्चमीको शुभकामना। बसन्त आइगयो भुँडी सिरसिर्या बतास, घर घर सबैका देला भिडघाट अतास। प्रकृति चक्कर लाउने रिटी घुमी मेरा, ऋतु अनुसारका त्यार यही सुदूर मेरा। अक्षर लेखिने आजै छेडिने नाक कान, जौँका पात कान हाली प्रकृतिको मान। विद्याकी देवीको पूजा स्कुलका खाला, आरती सरस्वती माता बुढा हैरे बाला। हे माता सरस्वती देवी विद्याको खाँचो छ, विकृति हटाउने एकै यो ज्ञान साँचो छ। शरण तम्राइ छौँ प्रभु ज्ञानका छौँ भोका, विद्या छ चिजै हो इसो जति जान्यो थोका। स्कुलै घर भयो माता तमरै भर भयो, नन्तिना सिकाउने सिप तमरै बर भयो। अक्षरै धन भयो इजा किताब सामल, गुजारा प्रसाद कठै नुन तेल चाँगल। सेवाको विचार क भई नहौ मन खाली, कृपा होइर बसन्तको बाग नहौ खाली। अब्जस चपौलो कठै दडा पाइला चाली, पेसाले सम्मान पाया तमै चढाइ ताली। रीतिरे थितिका कठै यो संस्कार माला, धायले पाइने हो प्रभु ये तमराई खाला।
अब यो डोटेल गीत हो डेवाड़ा मैं गाइने होना मैं धेरे टाइम लगे होना एक लाइन मात्र गाउन चाहन बग्ने चलाने भन्ने बहुत उमा ढपमा गाउन सकिन्छ यो तबै त चल्या कि सिटी बग्ने चौलानी संसार नमनाका जान्छ बग्ने पानी कैको माया मानी श्री पञ्चमी काज बारै कौ बग्ने चौलानी छ शुभ कामनाका जान्छ बग्ने पानी कैको माया मानी मातृभाषा जगाइदियो बग्ने चौलानी सबको समय हात कहाँ जान्छ बग्ने पानी कैको माया मानी प्रज्ञा प्रतिष्ठान मौजौ बग्ने चौलानी दिया धन्यवाद कहाँ जान्छ बग्ने पानी कैको माया मानी हस् धन्यवाद 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 कवि तथा गायिका नै भन्नु पर्यो अब त सरस्वती भात धामीज्यूलाई अब म वाम्बुले राई भाषाका कवि एलिना वाम्बुले राईज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक निम्तो गर्दछु उहाँ ओखलढुङ्गाका कवि हुनुहुन्छ एलिना वाम्बुले राई आल बाग्छु त्यहाँ सबैजनालाई कलमोस्ट जिउ पानिम्बे आ कविता सारो सम्बा साई सोस्या पाङा उप मिर मिर जो सिल डाम्छो वाम्बा भुम्जु जो जल बा याम्छो आम्च्या माखा उज्यालो पाच्छो इम्डम मिर मिर जो सिल डाम्छो वाम्बा भुम्जु जो जल बा याम्छो आम्च्या माखा जा पाच्छो इम्डम डुब्लङ लङ फिर हिसा कचलौदा उट्टु रोब हिम्छ इक लिप जिउ पङ सारसम बोनुमे पैन जिउ पाडु ख इदि न खासिन ज्याडुमे सिसी सिखारी खो रिङा तिलो आडिलो च्याब ह्याप्ती गाईमे साई सोस्या पाङा उप साई सोस्या पाङा उप उनुदा वाम्बुले रादुङ रितुम बाए जग्छो सिर भारा सही सन्धम्य जग्छो क्वाल जम्छ इन नाक्सो तिनुम थी उनु द क्वाल अम्बुले रादुङ रितुम बाय जग्छ सिर भार सही सन्दम्बे जग्छ क्वाल जम्छ उन नाक्सो तिनुम थी आग गुसिरी ह्याप्ती ताप्ती गक्चालाई ग्लकुल समाय पात गाकी थी उधौली पुर्नेल वाम्ला पासा खो इक पुर्खा तिचो मत चाम तै चाम इक रितुम मुक्तुम तिम देन साख चेङिमे फुतिरल बुब जम साकुरी गिम साख नाक्सो बाना दुम्नु ख मुक्तुम खिप्दुमे साई सोस्या पाङा उप साई सोस्या पाङा उप इम रोम्दो सोदो खोला प्याथ वस्तु चरै पाफु ल्यान्चिलो अख धुर रिजाल बस्यात गाईमा खो निखो ग्यार्सै कुडुलिम्चिमे इम रोम्दो सोदो खोला प्याथ वस्तु चरै पाफु ल्यान्चिलो अख धुर रिजाल बस्यात गाईमा खो निखो ग्यार्सै कुडुलिम्चिमे साउन लम झरिलो ग्लकुल बुल्कु यल इबास्याम्लो ठकौली कम्बल सिभ्री पैनु ख पशु ह्याठ लनुमे चिका ब्रसल सिभ्री पम पम वसङ भुरा खाडुमे हिब्बा ख निखो ग्यारुमे लाखै आपा चलौदा उङतिट्ल उनु आम च्यामा खा प्लेसा ख पामा खा लनुमे साई सोसे पाङा उप आज्यासे उप साई सोसे पाङा हौ बाबा धन्यवाद कवि एलिना वाम्बुले राईज्यूलाई अब म फेरि पाँचजना कविहरूलाई यो
अगाडी स्टेजमा आएर तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि यहाँ नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। धिमाल भाषाका कवि गणेशमान धिमाल, खस भाषाका कवि नवीन न्यौपाने, हायु भाषाका कवि गुना हायु, सुनवार भाषाका कवि सपना सुनवार र धुत मगरका कवि हिरामती राणा सिन्जाली, कृपया तपाईँहरू यो स्टेजमा आएर तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै अब म भोजपुरी भाषाका कवि ऋतिक यादवलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ बाह्रका कवि हुनुहुन्छ, ऋतिक यादव, भोजपुरी कवि। प्रणाम, हमर नाम ऋतिक यादव, हम आज जीवन के अंतिम मोड़ शीर्षक में भोजपुरी भाषा में कविता लिखले बानी। ई कविता नेपाल के आर्थिक व्यावसायिक नगरी वीरगंज के बेथा राज्य से उकरा पर भइल अन्याय अत्याचार से संबंध राखी। अब हम ढिला न करैत अपन कविता शुरू करें। हम तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद में सीमित होने, सबके आवाज बुलंद करे वाला अखड़ा बनेने, राजनीतिकन के विद्रोह में बरमहल प्रयोग होने, आज हम तकलीफ में बाने, बा कौनो बचा दे वाला हमरा, हम तो जीवन के अंतिम मोड़ पे बाने। हमरा के बहुत सपना देखावल जाला, हम उही में गूच होनी, एक बार फिर रेल चलाई की, उही में बरसों से विश्वस्त होनी, आज हम तकलीफ में बानी, बा कौनो बचा दे वाला हमरा, हम तो जीवन के अंतिम मोड़ पे बानी। पूर्वाधार होती भी राजधानी से वंचित होनी, नाकाबंदी कैला से दोषी होनी, हर बखत अविश्वास के पात्र बनेनी, आज हम तकलीफ में बानी, बा केहू बचा देवला हमरा, हम तो जीवन के अंतिम मोड़ पे बानी। इतिहास के पन्ना पलटैला पर नंबर एक पे होनी, राजनीतिकन बदलाव के जिंदा गवाह होनी, क्रांति के दूसरी नाम होनी, आज हम तकलीफ में बानी, बा केहू बचा देवला हमरा, हम तो जीवन के अंतिम मोड़ में बानी, हम तो जीवन के अंतिम मोड़ में बानी। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतिक यादव जी, उहाँले निकै ताली पाउनुको अर्थ तपाईँले धेरै बुझ्नुभयो भन्ने बुझिन्छ, यसको लागि धन्यवाद छ। अब म झुट मगरका कवि हिरामती राणा सिन्जाली ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ स्याङ्जाका कवि हुनुहुन्छ, हिरामती राणा सिन्जाली। नमस्कार, जोरले जेदो सिम्पाउ गौ रिलिङ्गो शीर्षकले लाङ्गा हटै कानुङ धुट। कानुङ लाङ्गाले कुरिक्ज सेहेच, प्रकृतियो मिघ्याइङ नम्खान फेर्च, गोराक सोनाङ हिमाल दाङले रेच्च, दाङले डिगुवा हटै चाङमार्या खेर्च, आर्मिटले खेरमा छुवाक्छ छिम डुङ्च, बेसकाम जोके राङ्गा छेम्छ झाँटा नुक्च, न्यामा ह्याक ङे ज्याच हटै मुरुक धुम्च, चेठाङ स्याहुली झर्याको मिडी चिप्म काच, चेठाङ स्याहुली झर्याको मिडी चिप्म काच, ढलिङ मराङ रहाले कानुङ ढुट गाक्नाङ, डियाङ डी छिमिक निकिङ खर्रा डाक्नाङ, बिरिस खेवला कागोरा डियाङ डी गाप्नाङ, मिहिल चेटोकोला झाङ हिड माभेरमा थाप्नाङ, मिहिल चेटोकोला झाङ हिड माभेरमा थाप्नाङ, जिजु बाज्यु बजाको गाकमा रहाच ढुट, सेमो गाकमा रहाच म्याक्के हेक्लेर कुट, अर्कुज्याङ माहवारमा नेपाली ढुट माङाक्नाङ, डाठु पोल्काङ सिपालाङ पढिसके माहवार नाङ।
माखा ढिंग और कोई आरे टिकी डेक परिसला कानुंग ढुद्दा पहाग ढिंग चेक धेमांग टाक्ची सोला मगर ढुद रिक्म पढ़िस के दिन ढिंग ढीके मा परिसोला वापा कोई गिन्नांग मांगक मम्मुके मा परिसोला सिपालांग निसोम डी मानी पानी मानी वाटर धुत कठै पहाग ढिंग पहाग चके हतै पहाग चकोके सजिलो आछाना गाक मरिक ढिंग लिसाङ विकास छानोला मेनो मेनो ढुटाङ काजोस जाद्ढिङ पट्ट धुत राष्ट्रभाषा संविधाने दिनाङ लख छानोला सरकारे उचित व्यवस्थापन जाद्ढिङ सरकारे उचित व्यवस्थापन जाद्ढिङ जिलौ धन्यवाद। धन्यवाद कवि हिरामती राणा सिन्जालीज्यूलाई। अब म सुनवार भाषाका कवि सपना सुनवारलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ रामेछापका कवि हुनुहुन्छ। सपना सुनवार। स्याउ आके कविता शीर्षक बा क्युम्यु ब्युम्यु दो देशु क्युम्यु ब्युम्यु मे गिनाई जेदा गेदै रिदुम पाखिम अनेमी गिनाई मुल्किम आक्ला कामी मिस मुरुमिन दिमा दिप्सी फाल्स मालस्यो दोस्यो नु गिसी नाखेम गोपिकिमी फाल्स गेनाङनै यो दिदुम्स्या बाच मालस्यो फाल्स मिनु 33% राई चिदे प्लेचा सेना सेन तेपेते सिमिनु खिलान तुप्सी तुई सिस्या राइसी मिस मुरु दुम तेकेन हिस्या हिस्या ब्लोइन्छ मालस्यो दोस्यो नु गिसी नाखेम गोपिकिमी फाल्स दुम मुल शुष दुम किम यु ब्युम यु फाल्चा गेङा आमिन मारैपा ब्लोइचा सेदेन 33% केङा उइथी राइची गेते गेपन बाइली मिनु कुर्दे मम्मी थु मिस मुरुकली ग्या अब लिप्स्या काथा गाब्नु ब्लोइचा सेदेन आम कली आमी गोनङ दे ब्लोइचा सेदेन हाङ्सो सरिङ्गमी फ्ला फ्ला स्या बेट्छ गेट नाइल जेम न बोसी जेत जिरा फ्लादा चिम्दा मबाबल हेर मारै मबाल दुष हेर मारै मबाल दुष मुर्कली मुर खोदे सियो देवला दाइसी पचनाइल चेरे दुम्ला। धन्यवाद कवि सपना सुनवारज्यूलाई। अब म हायु भाषाका कवि गुना हायुज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ सिन्धुलीका कवि हुनुहुन्छ। गुना हायु। सेवनम अङ्का भी इसी जोसे मेक मायङ्गी भगवान गा आ मेस्ति पाकु भगवान गा आ मेस्ति पाकु मेक मायङ्गी पोसु भगवान गा आ मेस्ति पाकु मेक मायङ्गी पोसु ना उङ मेकमु यङचङ चाहिँ अन्त सरै पाको ना उङ मेकमु यङचङ चाहिँ अन्त सरै पाको यङमु गल्ती ननम यङमु आङमु गल्ती ननम तेचङ मेपाङ बनाइ पसु यङमु आङमु गल्ती ननम तेचङ मेपाङ बनाइ पसु इसान सरनङ तिरे गो ओ मेपाङ आफत पसु यङमु आङमु गल्ती ननम तेचङ मेपाङ बनाइ पसु इसान सरनङ तिरे गो ओ मेपाङ आफत पसु आङमु गल्ती नफेन गा आङमु गल्ती नफेन गा माफी बिकुङ फेन होला आङमु गल्ती नफेन गा माफी बिकुङ फेन होला बरु घा माङ ओटा भारी नफेले कुकुङ फेन होला आङमु गल्ती नफेन गा माफी बिकुङ फेन होला बरु घा माङ ओटा भारी नफेले कुकुङ फेन होला हुँको बोक नङ मासी कुङ घा मेहपाङ घामी बुद्धाई
हुको बोक्नङ मासेकुङगा मेहपाङ घामी बुद्धाई उम्बे बोक्नङ मेहपाङगो सबै यङे खुम्दाई हुको बोक्नङ मासेकुङगा मेहपाङगो बुद्धाई उम्बे बोक्नङ मेहपाङगो ओ सबै यङे खुम्दाई चुटकिन लहता वायो जाति गो वासुङ में पेले हाले चुटकिन लहता वायो जाति गो वासुङ में पेले हाले कुंकुंग डुमसुंग अंग जिंदगी वासुङ में वेले हाले हो चुटकिन लहता वायो जाति गो वासुङ में पेले हाले कुंकुंग डुमसुंग अंग जिंदगी वासुङ में वेले हाले हो कुंकुंग डुमसुंग में अंग जिंदगी वासुङ में पेले हाले सेवानम ए हजुर एकछिन हजुर बस्नुहोस् है तिन राख्नुहोस् अहिले म बोलाउँछु हजुरले धन्यवाद गुना हायुज्यूलाई अब म खस भाषाका कविलाई फेरि बोलाउँछु नवीन नेपानेज्यू कतै हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि आग्रह गरेँ अब म फेरि पाँचजना नयाँ कविज्यूहरूलाई स्टेजमा तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि यहाँ निम्तो दिन्छु जिरेल भाषाका कवि टिका भक्त जिरेल बान्तवा राई भाषाका कवि शुक्र बान्तवा राजवंशी भाषाका कवि अजय प्रसाद राजवंशी नाछिरिङ भाषाका कवि प्रताप सिंह नाछिरिङ र ताजपुरिया भाषाका कवि सपना कुमारी ताजपुरिया कृपया अगाडि आएर कुर्सीमा बसिदिनुहुन र तयारी अवस्थामा रहनुहुनको लागि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दै अबको समयमा झापाका धिमाल भाषाका कवि गणेशमान धिमालज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु गणेशमान धिमाल लाम्फा लाम्फा धुम लोलाओ लाम्फा लाम्फा धुम लोलाओ मोली हानेका थामे मोगिलाओ रामगिलाका आवाई गिलका वाराङ्गेलाई भने वाराङ राम गिलाङ गिल्तेङ भेक्टेनी देरा गेलाई कोङ मिङ र थामे भने जाया खेराइका चातेङ पातेङ लोका हिदोङ देरा थामे जाते खेरुवा देरा गेलाई दोदोङखे लेटाङ हिदोङखे रुतासोङ लेता खुकाङ थामे लेटाङ हिदोङखे झोरा मापारा लोकारा चिसाङ दोका लोखारा झार मिङ दोखे ते घेरिया थामे लातेर तालिपा ते घेरिया एलोङ आजको चान दोखे दिङ दोङ दोङ्ग्या एलोङ आबाको चान गेलाई दोगाखे राभारी एलोङ थामे राथुम झेङका द्यालोङ आवाको चान दोखे बङ्सली खेङलाओ तेलोङ धिमालयको चान बाख्राखे लेङबाङ थारू बङ्लाइती जगलाइती जोरेतेङ तेलोङ धेमालाई दोनाखे रुताङसङ लेता खुका धेमालाई कोङ इतिहास लोखे पुरानो थामे हिसो नाङको हिलाउ वाराङ्गेलाई दोखे तिम्पाखे राजा सती सती हानेका केलाई कोदोङ दिरराङ दोतेङ सम्झे नाखे सिरिजा जात्री केलाई ए बासार्ता झाराङ माने नाखे बुढा ठाकुर चौमाझी कोङ ढोल सिर्जाइतेङ धुई पाइ नाखे ताई संस्कृति ताइमिङ केलाई हेलाउ मानी मानिला नाखे सेउपाखा बाखिन्खा धन्यवाद कवि गणेशमान धिमालज्यूलाई अब म बान्तवा राई भाषाका कवि शुक्र बान्तवाज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु उहाँ भोजपुरका कवि हुनुहुन्छ शुक्र बान्तवा
झारक दास सेवा उनको सालाम छंगुंग्यांग लासा यावा खाना लासा यावा खाना खाना ना खाना लासा तानंग यावा ओ आंतेन तछिरुदो बद्दे कादुंग लिसा खानांग का अग्निंगा लिदमा लिसा ओ सायाबुंग बाराकी आया मोदा बोम्बोले माची लाग मलुयांग वैटनी चोपसा आमलाम खामसा देम ओ देम वनिंगा लेन खाखु मखारा खाना मिच्सा आन्टेन मित्तुगी लासा तानंग यावा मामा आछाङ देम ओ देम तमित्याङ पापा आछाङ खानाङा तलाम्याङ ओ हेन खामा आछाङ खाना खात्नी तखारा नियङसा खाना निलाम्याङ यावा चक निलासा त है यावा खाना तायाङ ओ साके नुवा मित्तुकी लाग लुसी खाना निलाम्याङ यावा यावा ओ मु चोमुलुङमा छा खाना निलाम्याङ नामछोङ हेनखा खुन्की झारक ओ मिनमा आछा हान्ना ए यावा चक निलासा तानङ यावा खाना तताकी दिवापा मुमादो आमको थाप्सङ दिनिकी खाना सिनमा दो खाना न बाखा छ है मल बाखा छ अग्नि नि खाना आपिङा मिनमा दो यावा खाना ओदा तामाकी दिवाल दिमा लुङ ओ साया चुङमा दोत यावा साया चुङमा दोत यावा आलाङनी धन्यवाद कवि शुक्र बान्तवाज्यूलाई उहाँले आफ्नो बान्त भाषाको कविता वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ. अब म खोटाङका कवि प्रताप सिंह नाछिरिङज्यूलाई आफ्नो नाछिरिङ भाषाको कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु. प्रताप सिंह नाछिरिङ छोड्ने चर्चिबु इके तेल नाम्पी चर्चिबु छदा मुन चरुपी खामा दिमा छदा मुन खामा दिबा दे चानु छदा मुन तसा खल दे खानु छदा बोम्बलार बि दाउलो कुइम बुझा नेम छदा दिनौ दिछवा बिछु खुदिजा पुरोम छदा कुबिया दाउलो कुइदो म मुन चाम छदा मुन चाम दालो खल धे चानुप छदा बोम्बलार छोकलार बि साखेलो धिउरु बेम छदा कुकुवा फुसारिवा बक्सा दिनौ सिर बुलुदाम प्रोम छदा कुबिनोक छलाम चादुम साम बुलु साम वक्तो दकपची मुम छादा मुन प्रम्पा चामदु मुम दलो धे चानु छादा इकी तेल नाम भी चर्ची पु छादा छावामी नुयुम जातम तसुम क्रीम ते हम पीन छादा तपा तमाम बुबाईको सुर खप दलो चर्ची पु छादा खामा खसेरमा हदिबु खक्सो प्रम छादा तिन्छौ परतु खक्सिरिप्ची नेम छादा छिलाम्बु निनाम्बुआ सुप्तुलु बर्त युतो पाछु पिम छादा इकी तेल नाम्पी चचु छादा मुन चचिबुपी खामदीमा छादा अलनु तिस सेकेन्ड अध्यक्ष महोदय वर्षै दिन बितेछ समाचार कुरेर ए म त गाउँ घरैमा बसेँ एउटै पत्र पनि लेख्नु भएन छ ए कि छैन कलम मसी आए सुन्तला हजुरै हारको मायाले जीवै घट्यो मात्रै तिन तोला धन्यवाद कवि प्रताप सिंह नाछिरिङज्यूलाई. अब म झापाका कवि
सपना कुमारी ताजपुरिया ज्यूलाई आफ्नो ताजपुरिया भाषाको कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सपना कुमारी ताजपुरिया। सबैको बन्दगी नमस्कार। मोर कविता शीर्षक छ मा भनेको आमा। हरेक बिहान उठवार खुना तहरे मुखान देखवा पाऊ। हरेक बिहान उठवार खुना तहरे मुखान देखवा पाऊ। हरेक रात के तहरे कलहान सुतिय खुना अनि दुआ पाऊ। मोर पहिला जेक ड दिवा सिखालो तुई। मोर पहिला जेक ड दिवा सिखालो तुई। तोर अन्तिम जेक ड दिवार खुना तोर सहारा बनुवा पाऊ। तोर अन्तिम जेक ड दिवार खुना तोर सहारा बनुवा पाऊ। पाँच तारा वाला होटल लत अखलाए बचिए खरा खाबर से। पाँच तारा वाला होटल लत अखलाए बचिए खाना खाबर से। फुसेर घटत बचिए खुना तो राते डाल भात खावा पाऊ। फुसेर घटत बचिए खुना तो राते डाल भात खावा पाऊ। जिंदगी भर मोर खुशीर ताने संघर्ष करलो तुई। जिंदगी भर मोर खुशीर ताने संघर्ष करलो तुई। तोर खातिर कुछु करवार ताने इरा जीवन सुम्पुआ पाऊ। तोर ताने कुछ कावर ताने इरा जीवन सुम्पुआ पाऊ। मोर हरेक खुशीला तो हरे ताने साटवा पाऊ। मोर हरेक खुशीला तो हरे ताने साटवा पाऊ। तोर हरेक दुखला मुई हँसे खुना कटवा पाऊ। तोर हरेक दुखला मुई हँसे खुना कटवा पाऊ। भगवान दा साथ छड़बे त छड़ोक मुख मंजूर छ। भगवान दा साथ छड़बे त छड़ोक मुख मंजूर छ। मगर तोर साथ बचवार तक सब खुना पाऊ। मगर तोर साथ बचवार तक सब खुना पाऊ। मोख हर दिन देशर महत्व सिखालो तुई। मोख हर दिन देशर महत्व सिखालो तुई। मुई मरे खुना भी इरा देश तक बचवा पाऊ। मुई मरे खुना भी इरा देश तक बचावा पाऊ। मोर सुखानत मोर मुखान से पहिले निकलवार बोली रह तोर नाम र छिलको। मोर मुखान से पहिले निकलवार बोली रह तोर नाम र छिलको। अन्तिम अन्तिम चोटी भी तोरे नाम र लिए खुना मरुवा पाऊ। अन्तिम चोटी भी तोर नाम र लिए मर पाऊ। मा 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 मतलब आमा आमा आमा। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सपना कुमारी ताजपुरियाज्यूलाई। टिका भक्त जिरेल कृपया हलभित्र आइसक्नु भयो भने यहाँ स्टेजमा आइदिनु होला। टिका भक्त जिरेल उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो जस्तो देखिन्छ। अब म फेरि पाँचजना कविज्यूहरूलाई स्टेजमा तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि आमन्त्रण गर्दछु। बज्जिका भाषाका कवि सन्दीप कुमार शाह, अवधि भाषाका कवि शोभनम श्रीवास्तव, मैथिली भाषाका कवि राकेश कुमार झा, देवास राई भाषाका कवि विष्णु देवास राई, थारू दङ्गौरा भाषाका कवि जुनु थारू। कृपया तपाईँहरू अगाडि आएर तयारी अवस्थामा रहनुहुनको लागि आग्रह गर्दै अब म राजवंशी भाषाका कवि अजय प्रसाद राजवंशीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। उहाँ झापाका कवि हुनुहुन्छ। अजय प्रसाद राजवंशी। सभाके बन्दगी। मोर कवितार शीर्षक छ बनाई कोजवासीर पहिचान। छिले हमार कोजवासीलार अपनाले अलग शान। बेराइस लेखेलिए दादो दादीला हुदुरधुरा ना सरगान। खोई आजी कुनहारा गिले हमार धुती पैटानीर नाम। केनम हमा कोजवासी बिरसी जाची अपनारे पहिचान। बिरसी जाची अपनारे पहिचान। पुजिए बेराइस ले आगुत गाँव ग्राम आरमात थान। हुक्का हुक्की खेलिए राखिसले हमार परम्परा मान। खोइ आजी कुनागीले उला हमार कोजवासीर शान। आसो सबै मिलिए फेर से बनाई कोजवासीर पहिचान। फेर से बनाई कोजवासीर पहिचान। लखे लखे भूलते जाची हमार अपनार परम्परा रीति रिवाज।
कैनांग आलाकार कोचवासी उठवानी पासी अपना रे आवाज दादा दादीर खुना छिले कोचवासी लारे अलग पहचान आसो हमा सबाई मिलिए फेर उठाई कोचवासी आवाज फेर उठाई कोचवासी आवाज नीले से आला दीदी भाई नीला काकरी आर धकरगर व नाम भूलिगी से हमार दादा भाई ला पटार ढेरा काटा काम छिले आगुत हमार कोचवासी लार अपना रे अलग शान आसो हमा सबाई मिलिए फिर से बनाई कोचवासी पहचान फिर से बनाई कोचवासी पहचान धन्यवाद। अजय प्रसाद राजवंशी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धन्यवाद। अब म धनुषाका मैथिली कवि राकेश कुमार झा रसिक ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रसिक राकेश कुमार झा धन्यवाद उद्घोषक ज्यू। विश्व ब्रह्माण्ड सकल साधन सम्पन्न जम्बुद्वीप हिमवत खण्ड अन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश नेपालक ई पशुपतिनाथक नगरी काठमाडौँक प्रज्ञा प्रतिष्ठानक हलसँ हम राकेश कुमार झा रसिक अपन कविता वाचन करबाक अवसर पाबि बहुत हर्षित भेल छी। ताहि हेतु हम सब गोटेमे प्रणाम करै छी, सब गोटेके गोर लगै छी आ हम अपन कविता वाचन करऽ जा रहल छी। हमर कविताक शीर्षक रहल अछि ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। जगत जननीक आँचरमे समाहित, जगत जननीक आँचरमे समाहित सुन्दर रमणीय ई हमर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। चारू तरफ मठ मंदिरक तस्वीर, चारू तरफ मठ मंदिरक तस्वीर शिव चौक में महादेव मंदिर जपैत छी महादेवक नाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर सुंदर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। ई भूमि पर उपजे गहूम दलहन आधान, ई भूमि पर उपजे गहूम दलहन आधान राजा जनक पौलैत मान सम्मान, राजा जनक पौलैत मान सम्मान। हमर सबक पथ प्रदर्शक थिका सीताराम, हमर सबक पथ प्रदर्शक थिका सीताराम, ई थिक सुंदर रमणीय धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। गंगा सागर दशरथ तलाव, गंगा सागर दशरथ तलाव धनुष सागर सँ व्यवस्थित सीता मैयाक गाम अछि सब जाति सँ अवस्थित सीतारामक जप मे जुटल छी सुबह शाम, सीतारामक जप मे जुटल छी सुबह शाम, ई थिक हमर अपन गाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर रमणीय गाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। अहि ठामक भूमि अछि उपजाउ, अहि ठामक भूमि अछि उपजाउ बहुत रास पोखरी आ तलाव, बहुत रास पोखरी आ तलाव अहि ठामक फल थिक आम लताम, अहि ठामक फल थिक आम आ लताम, ई थिक हमर अपन गाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर रमणीय धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। ऋषि महर्षिक जन्मभूमि अहिठाम, ऋषि महर्षिक जन्मभूमि अहिठाम संत ज्ञानी सभक अहिठाम नाम, संत ज्ञानी सभक अहिठाम नाम राम कैलनि धनुष तोड़बाक काम, राम कैलनि धनुष तोड़बाक काम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक रमणीय जनकपुर धाम, ई थिक हमर अपन गाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम, ई थिक हमर जनकपुर धाम। धन्यवाद। जय मैथिली। धन्यवाद कवि राकेश कुमार झा रसिकज्यूलाई। अब म मकवानपुरका देवास राई कवि विष्णु देवास राईज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। विष्णु देवास राई मोरा कविताक नाउँ मकवानपुरे
मुई हो मकवानपुरे देवासराय किराती, मुई हो मकवानपुरे देवासराय किराती, मुई दुश्मनी संगी ना डराम बजहांग राजा संतति, पुरखाई संगी ना डराम बजहांग राजा संतति, मोरा पुरखाईसो रगत पति रहेला ई माटीमा, मोरा पुरखाईसो पोटलो रगत ई माटीमा, तसो मुई हिटलु रोक्ला मोरा पुरखाईसो खन्ल पैदाई, ई भूमि रक्षा करमना, ई भूमि रक्षा करमना, मुई ओ मूलवासी किराती पुरखाईसो अस्तित्व मेटाब नादेम, मुई हो भूमि पुत्र वीर जाति, मोरा पुरखाईसो मानल उधौली उभौली सकेला, मुई आदुसो नाचो हुक्ला सिन्ने भूमि पाकिहीन, दसैँ आउँ तिहार मनाहुक्ला चाड, दसैँ आउँ तिहार मनाहुक्ला चाड, माघे संक्रान्ति देखि मोरा नयाँ वर्ष 5082 साल, मुई हो मकवानपुरे खाती देवास किराती राई, मुई हो खाती मकवानपुरे खाती देवास राई किराती, मुई दुश्मनी सामु अधिक रहमना बजहांग राजा संतानी, मुई बजहांग राजा संतानी सेवा जीव। धन्यवाद कवि विष्णु देवास रायजूलाई। म अबको समय कैलालीका अवधि भाषाका कवि सोवनम श्रीवास्तवज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। कवि सोवनम श्रीवास्तव। नमस्कार, यहाँ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्व तथा आमजन का हमार कविता के शीर्षक है कोविड और जिंदगी। कोविड तू कहाँ से कैसे आयो, कोविड तू कहाँ से कैसे आयो, सब तर अजीब जाल फैलायो, घास बांस और कपास उजड़ गए, रास रंग और खजड़ी सब भूल गए, बच्चे हो गए ऑनलाइन के पुतला, बच्चे हो गए ऑनलाइन के पुतला, जहर देखो ओहर है समस्या के खोलहा, का कहे का कहे कैसे कहे और केकर का सुने, का कहे कैसे कहे और केकर का सुने, बैठ कर भीतर सब मने मन गुने, इतने नाही सब और मचा है तबाही, सब पूछत है अब वो दिन कब आई, सब तरह है सवाल जवाब कहाँ है, सब तरह है सवाल जवाब कहाँ है, सांस सिरजना नाज नखड़ा सिमटा है, गांव से ले के शहर तक, गांव से ले के शहर तक देखो सुनो, अब जिंदगी का नवा सिरा से बुझो, नाव अनेक एका दिहे है, नाव अनेक एका दिहे है, कोई रोग कोई विपत्ति कहे है, जीवन और जगत के नाता है अजीब, जी कोरोना लिहे जात है विनाश के करीब, कोरोना लिहे जात है विनाश के करीब। धन्यवाद। धन्यवाद कवि सोनम श्रीवास्तवजीलाई। अबको समयमा रौतहतका बच्चीका भाषाका कवि सन्दीप कुमार शाहज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सन्दीप कुमार शाह, बज्जिका भाषा। सब आदमीके प्रणाम बा। हमर बज्जिका भाषाके कविताके शीर्षक है परिवर्तन हमनीके पालामे। शुरुआत अपने से करेके बा, स्वच्छ निष्पक्ष आ निमन राजनीतिक संस्कार बनावे के बा, हमनी सब मिल के देश अपन बनावे के बा, परिवर्तन हमनी के पाला में ले आवे के बा।
बेरोजगारी के समस्या कृषि से हटाबे के बा, बेरोजगारी के समस्या कृषि से हटाबे के बा, खाड़ी के यात्रा मजदूर भिसा में ना मजदूर भिसा में पूरा रोक लगावे के बा, विदेश के रोजगारी से ना स्वदेश के स्वरोजगारी से गुजारा चलावे के बा, परिवर्तन हमनी के पाला में ले आवे के बा, देश बनावेला युवा सबके आगे आवे के बा, देश बनावेला युवा सबके आगे आवे के बा, कृषि पर्यटन आ व्यापार से ही अर्थतंत्र बढ़ावे के बा, शांति सुशासन विकास आ समृद्धि के लेल हमनी के एक होखे के बा, परिवर्तन हमनी के पाला में ले आवे के बा। जातीय क्षेत्रीय लैंगिक आ धार्मिक भेदभाव अंत करे के बा, विकास विकसित देश बनावे में हमनी सबके मिलके लागे के बा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के सपना पूरा करे के बा, परिवर्तन हमनी के पाला में ल्यावे के बा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद कवि संदीप कुमार शाहजीवलाई। अब म फेरि पाँचजना कवि जीवहरूलाई स्टेजमा तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपाल भाषाका कवि ओम नरहरि श्रेष्ठ, केवरत भाषाका कवि हेमन्ती केवरत, मेचे भाषाका कवि रोशनी मेचे, थुलुङ भाषाका कवि सुबोध राई र बायुङ भाषाका कवि किशोर बायुङ राई। र अबको समय म दाङका कवि जुनु थारूलाई आफ्नो थारू दङ्गौरा भाषाको कविता वाचन गरिदिन हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। जुनु थारू। नमस्ते, राम राम। मोर आज कविताक शीर्षक बा यी गाउँ यी सहर। दाङ देखर गाउँ सहर, दाङ देखर गाउँ छोडके काठमाडौँ उच्याइल बटु, दाङ देखरके गाउँ छोडके काठमाडौँ उच्याइल बटु, अपन हे सहरिया कहवाइल बटु, मने शहरमे जत्रा बरस बैठले से फेन, मने शहरमे जत्रा बरस बैठले से फेन, अपन जन्मल गाउँ अपन हँसलक खेललक ठाउँ, सँगे सहेलिन कहाँ बिसरहिना, शहर ते खाली पैसा चिन्हत, गाउँमे फलाफल रहन बेठुही, शहरमे किने परत, हिगे मुटे जैना फेन, रुपैयाँ तिरे परत, कहूँ जाएक लग क्यू से ठेकाना पुछबो, मनै तेरे ठुठुन लगै था, मानू ठेकाना बताइक लग फेन, वनके पैसा लागतिन, गाँवक माग दस्य देवारी, जेकर घर जाओ अपन से कारी, मने शहर में ना कोनो त्यौहार, आयल हस लागत, शहर के कोनो संघर्या हे, भेद करे जाओ, उटे कहत टूटे खा के आयल हुबो ना, उहे से ई स्वार्थी शहर में नहीं लागत हक्कोरीत। धन्यवाद कवि जुनु थारूजीलाई। म फेरि पनि नामहरू वाचन गर्दछु किनभने पाँचजना बोलाइएकोमा दुईजना मात्र उपस्थित हुनुभयो। किशोर बायुङ राई, सुबोध राई र ओम नरहरि श्रेष्ठज्यू। र अबको समयमा झापाका मेचे कवि रोशनी मेचेज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। रोशनी मेचे। धन्यवाद। बैखुबो खुलुम्बाई। आङी कविता नि शीर्षकमा आङ बोडो हिन्जाउ। औ आङ हिन्जाउ, हिन्जाउ अङ्गौ बोडो हिन्जाउ, आङ गलै निफ्रान ना हुम्न छलङबेङ, फराइसाली फराइग्रा बैसाउ, बोन्नी बिथा बान्न हम्बेङ, बे गल्लै आखाइजङ जौ छाउन ब छलङबेङ, तर बेगाछेन साम्ह साम्ह आङ इयुन जाबाइस, गुबुन हिन्जाउ फरा गबाङ्गिन सियाङ छोइबाइस, तर आङ गबाङ्गिन इयुन जाबाइस, आङ मिनिन बाउबाइस,
आंग फराई न बाउबाई सा दनै होथात आंगनी मेगोनी फ्रांग मदै गोबाई आंग गाउ निछाउ हाई अन्याय सामदंग सा आंग फराई न नागर बाई सा आंग गुबुन हिंजाउनी सलाई गबांगिन इउन जाबाई सा थलाब गसवाउ मन्छे आशा दोंग औ हिन्ज ऐ हिन्जाउ साफर आंग खौबो नङ समान फराई न छफरङ आंग नङजङ समान थाबाई न हायाब्लाब थर नङ आंखौ आखाइयाव हन आखाइ हनानै साथ आंखौ सिप फरङ आं आरबाउ फराई न फराई बाउनें गबाङिन सिगां छैनें बोडो हिन्जाउखौ मिनि न फरङनें बोडो हिन्जाउखौ थांनो फरङनें आं हाथखी बायदि जंथी जानानै मफ्लामनें आसानी देवारी जानानै जंस्रांनें बोडो हिन्जाउखौ मिनि न फरङनें बोडो हिन्जाउखौ थांनो फरङनें गजनथं धन्यवाद धन्यवाद कवि रोशनी मेचेज्यूलाई अब म स्टेजमा तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि फेरि पाँचजना कविहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु किनभने मैले दुईचोटि कविज्यूहरूको नाम बोलाएपछि यहाँ नआउनु भएपछि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो भन्ने हामीले बुझ्यौँ र अब म तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि घले भाषाका कवि गणेश बहादुर घले डोटेली भाषाका कवि राजेन्द्र तारकिणी वाम्बुले राई भाषाका कवि हरि रवि वाम्बुले राई उर्दू भाषाका कवि नासिर मोहम्मद अन्सार नेपाली र मैथिली भाषा कवि रूपेश कुमार सदाए ज्यूलाई अगाडि कुर्सीमा आएर तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दै अब म मोरङका केवरत भाषाका कवि हेमन्ती केवरतज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिन हुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु हेमन्ती केवरत सभाको मोर नमस्कार मोर कविता शीर्षक छ के बनाले नियम जन्म दिलो पुछलो पाल्लो देखालो तुई दुनियाँ जन्म दिलो पुछलो पाल्लो देखालो तुई दुनियाँ कपी कलम धुरवार बेला पठालो तुई कुन्या कपी कलम धुरवार बेला पठालो तुई कुन्या सँगे खेलाल दादा भाइ एखुन छ नादान सँगे खेलाल दादा भाइ छ एखुन नादान बेटी जातक भाडी जानिए कोरिए दिलो दान बेटी जातक भाडी जानिए कोरिए दिलो दान खोलुआ से पहले आँख कान दिलो आँखत पट्टी खोलुआ से पहले आँख कान दिलो आँखत पट्टी दुनियादारीक साबुत राखे कोलो कुल से कट्टी दुनियादारीक साबुत राखे कोलो कुल से कट्टी मन मोर चंचल उमेर छ नादान मन मोर चंचल उमेर छ नादान छोटो बड़ो सभार कोरुआ पूर्वे मान छोटो बड़ो सभार कोरुआ पूर्वे मान काल तारीख छिनु माँ बापेर कलात काल तारीख छिनु माँ बापेर कलात समाजर बन्धने फसिए गेनु भूलत समाजेर बन्धने फसिए गेनु भूलत उठुआ पड़े आरह छुआ पुआर बोझ उठुआ पड़े आरह छुआ पुआर बोझ घोरेर जिम्मेबारी आर गाली गलोज घोरेर जिम्मेबारी आर गाली गलोज जलम कोइठिन करम कोइठिन बना ले ए नियम ग्रह जन्म कोइठिन करम कोइठिन बना ले के नियम इरकम दीवा पर किरकम त्याग दीवा पर किरकम त्याग छोरुआ पर माँ बापेर घर अंगन छोरुआ पर भाई बहिनीर संग बना ले के नियम इरंग दीवा पर त्याग किरंग छोरुआ पर माँ बापेर घर अंगन छोरुआ पर भाई बहिनीर संग धन्यवाद धन्यवाद कवि हेमन्ती केवरतज्यूलाई अब म सुलुक खुम्बुका थुलुङ राईभाषी कवि सुबोध राईज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु सुबोध राई
सेवा कविता को शीर्षक बांथेरे बुनी कुरुआ गाँचो छारिमिम बांथेरे बुनी हामले बोन्थाल्नी गाँचो छारिमिम बांथेरे बुनी हामले बोन्थाल्नी ओसिन्डानी इकी लडे दाप्स्ता डुम्ल रिदुम रे दाप्स्ता ओसिन्डाने इकी लरे दाप्स्ता डुम्ल रिदुम रे दाप्स्ता नागी सेक्रो तोसिमी बोकु मिथेनकु डुम्ल रिदुम नागी सेक्रो तोसिमी बोकु मिथेनकु डुम्ल रिदुम सिपामी भूमि थुलुचे रमुओ क्रेमडेलु अछङ र किला थुलुचे रमुओ क्रेङ्गा क्रेमडेलु अछङ र किला इकी ल थेटपाङ्गामी भूमि थुलुचे रमु ओ क्रेङ्गारे लु अछङ र किला इकी ल थेटपाङ्गामी भूमि खोदले नथेम छेम सिम्डी सामा माल सिम्डी खोदले नथेम छाम सिम्डी सामा माल सिम्डी तत सुमेलुङ गणमुडुम्बेरी उनी न छेस्ता सामा मालसिम्डी उनी न छेस्ता सामा मालसिम्डी खोटलेका तत सेम गेलुङ गटमुडुम्बेरी गुई थुलुचे कोङ्गा दाप्स्ती सो गुई थुलुचे कोङ्गा दाप्स्ती सो बान्थेडे ब्लुम्सिडी हेगा हेगाटे हेकारे बालसिडी बान्थेरे ब्लुम्सिडी हेकारे बालसिडी दुखा काम बाबारिकारे हुपसड्डा सामा दाम्पा सोमरिकारे बालसड्डा दुखा काम बाबारिकारे हुपसड्डा सामा दाम्पा सोमरिकारे खुसड्डा हेका गुई मिछङ सिरिमिम हेङा गुई मिछङ सिरिमिम सुङखार काम थु नेम काडे बा हुपसड्डाम्बु सुङखार काम थु नेम काडे बा बालसड्डाम्बु न छेको छेको छेनिस्यो इकिमा न छेको छेको छिनिस्यो इकिमा मिमसिरी गुई हाम काडे फालसड्डाम्बु मिमसिरी गुई हाम काडे फालसड्डाम्बु दाला बासिरी म बकिस्यो दाला बासिरी म बकिस्यो इकी ल मालमुबु डुम्ल रिदिम रमुबु दाला बासिरी म बकिस्यो इकी ल मालमुबु डुम्ल रिदिम रमुबु मि प्लसिस्यो गुइने मि प्लसिस्यो गुइने त कामगा साख्लेवा बाटपारे देमचिली देल्फु सामाखुम बाटपारे मिप्लसिस्यो गुइने तकाङ्गा साख्लेवा बाटपारे देमचिली देल्फु सामाखुम बाटपारे मिप्लसिस्यो गुइने मिप्लसिस्यो गुइने त तरेबुङ ररेबुङ बाटपारे मिप्लसिस्यो गुइने तरेबुङ ररेरुङ बाटपारे झेमसिरिस्यो इकी ल रमु बासी झेम सिरिस्यो इकी ल रमु बासी मुनमा देलकाम कुरुवा रमु बासी इकी किप्दी नेप्दिकाम सेलाम रमु बासी झेम सिरिस्यो इकी ल रमु बासी किप्दी नेप्दिकाम सेलाम रमु बासी ओडाम्ने दिका चे चिसुलाई गमु बासी झेम सिरिस्यो इकी ल रमु बासी गुई मिमाली मला ओराम सुका बोमी गुई मिबी मला ओराम सुका बोमी गुईका मिमाली मला ओराम सुका मालमी होम्लो मिमाली मला हाम्सी मालमु गुई मि जुली मला दिका चु चुसुका बान्थे डार्मु गुई मिमाली मला ओराम सुका मालमु गुई मिजुली मला दिका चु चुसिका बान्थे डुर्मु डार्मु दिका चु चुसिका बान्थे डार्मु आलस्य धन्यवाद धन्यवाद कवि सुबोध थुलुङ राईज्यूलाई अबको समय म बैतडीका कवि
राजेन्द्र तारक किणी ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। उहाँको भाषा डोटेली रहेको छ राजेन्द्र तारक किणी, र उहाँ आउनु हुँदा हुँदै प्राविधिक साथीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने रवि वाम्बुले राई ज्यूको त्यहाँ भिडियो कविता आएको छ, त्यसलाई यसपछि प्ले गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। राजेन्द्र तारेकिणी नमस्कार। चो नसार उपस लगन छ निच्छा चाङ्लो फाकुवा हेल्पा इजान मुखको रसिलो ओटार भित्रे पोत पार अल्मलाउन सक्दैन पोका सिपाहीलाई ततिन जल इजान खाटी सक्दैन एक प्यारी पल्ला ओसारी सक्दैन अर्थ फोला पाने उल्बाट ओका सकन्छ उन्चेर आएको अस्तित्वको पैँसो सातोमा खुतो मलपट्टि पापान सातोमा खुतो मल्लीपट्टि पापान थोत्ता किजनले पराने ठुङ्दा ठुङ्दा सपापा एक फाँको उसरी पोत पार थकाउन सक्दैन पोक्का सिपाहीलाई ततिन्जाल पापान चेटके सडक मुने साज जसो पूर्वरी माटोमा एक मेल कुका कुटी सक्दैन उल्बाटे तयार भएपो तयार हो सकन्छ भोक विरुद्धको अक्खु मोर्चा इजन कोजलटाए पेवान कोयो मोर्चा बस मात्र पोका सिपाही विरुद्ध चल्लो चुकु पठे सेरे न पोक हातला छ न हातान इजा पापान करम बेर योता इजाको पेवाको आफ्नै परानी त पेटाको पुटु पर पिपल जसो होया छ करम बेर योता इजाको पेवाको आफ्नै परानी त पेटाको पुटु पर पिपल जसो होया छ जहाँ पटवान जसरी थका माताके लेखा खबाको पसर पठिया पुग्दैन चेला चेलिन पुहारिन ततिन्जा साउरी पर्या अनारमा चुन सार उपस लगन छ ततिन्जा साउरी पर्या अनारमा चुन सार उपस लगन छ। धन्यवाद। धन्यवाद कवि राजेन्द्र तारक किणीज्यूलाई। अघि मैले भनेअनुसार अब ओखलढुङ्गाका वाम्बुले राई कवि रवि वाम्बुले राईज्यूले उहाँले भिडियो मार्फत आफ्नो कविता पठाउनु भएको छ। उहाँ ओखलढुङ्गाको हुनुभए तापनि अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ। अब प्रोजेक्टरमा उहाँको कविता प्ले गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी उहाँको कविता प्रोजेक्टरमा सुन्नेछौँ हेर्नेछौँ। रवि वाम्बुले राई ल जिउ बामे सबैलाई उङ्गु रवि वम्बुले राई आकुडु ओखलढुङ्गा माने भन्ज्याङ गाउँपालिका वन्द्याल त्यस चाहिँ गण्डकी प्रदेश नेपाल पोखरा कास्किलो आकविता ससाभा आकविता सारा सम्भा वम्बुले राडु साइकीमा वम्बुले राडु साइकीमा डाम्बिल हाल्सी चैकीमा वम्बुले राडु साइकीमा डाम्बिल हाल्सी चैकीमा उमो उपुङा नुम्बम राटा वैटो साम्फा प्रोसी चेसा हो वखा रान्जो मक्लास टोपी खाडिङ व पाइचाम्बा इक रिटुम्बाया हिरा पिरा ज्यासाखु मुयङ डाम्बिला चोमलुङ मस्या रोचाम्बा साकेलानो ढङ्कुमोलो डिसाखु बिनायो मुर्चुङ्गा माडल बाँसुरिए टप्चाम्बा लिप्जुनो भुङजुङ्गा खाचिलो इक राडुङ सुरिम कुवासाखु भानाङा ब्लाच्चो ओभिने टिचोलाई इक राडु ड्याल सेपाचाम्बा नङ्गिलम ची तेइसाखु खाङमोलम सो हेपे मच्चाम्बा लौ लौ ख्याली राम्रोले सालाङ थोपासाखु सङ्गिनाए चाम्डो पापाचाम्बा वक्खाम वक्खाम ग्यार पासाखु उँटी छो रक्सो च्याम्चाम्बा वक्खाम वक्खाम ग्यार पासाखु उँटी छो रक्सो च्याम्चाम्बा जक्चो चिक्चो ठाकुरे टिचोलाई डाम्बिल हाल पासाखु नुठामे भेबा टिचोलाई उट्टुखल दियो गक्चाम्बा नुम्बम इक राजा एलम्बरना सारी लिप्साखु उँटी चोखो देश चले पचो ढुम्चाम्बा उनु उङ्गु कल दियो कृषाखु
उनुंगुख दिवो कृषक हो कल नंबर प्रदेश लाई किरात प्रदेश बने पचाम्बा साम चोलाई मालसा हो जित चोलाई थाचाम्बा रिच चोलाई चीरसा हो ए बोलाम द्वाचाम्बा ठे चोलाई चुमसा हो प्रक चोलाई तीरचाम्बा ग्लम चोलाई फुक्सा हो बाल चोलाई ख्याचाम्बा इस्टिमाक त्याचे राडू साइकिमा दाम्बिला हाल्सी चेकिमा वम्बुले राडू साइकिमा दाम्बिला हाल्सी चेकिमा जिउबाने धन्यवाद कवि रवि वाम्बुलेज्यूलाई। अबको समयमा गोर्खाका घले कवि गणेश बहादुर घलेज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। गणेश बहादुर घले, शिवख्याङ नमस्कार। गैजे कविता छ त ख्याङ ग्रे गै सम गैजे रङ कर युणे गैजे रङ कर युणे गैदे छे भो तोप टेम युदे तिनी गने लेदे लेदे म पोइ हेन ख्याङ गैजे रङ कर युणे गैदे छे भो तोप टेम युदे तिनी गने लेदे लेदे अम्ब पोइ हेन ख्याङ हे समय उल्के दे कि नुमाई उल्के दे हे समय उल्के दे कि नुमाई उल्के दे नैजे टोप टेम ने से लो नैजे टोप टेम ने से लो रिम्पोङ द्या के न ख्याङ नैजे टोप टेम ने से लो रिम्पोङ द्या के न ख्याङ रिम्पोङ द्या के न ख्याङ मुरु क्युप नै फ्यान ने छे छे नै फ्यान ने प्रे प्रे म ल्याद कोर्की पुको मुरु क्युप नै फ्यान ने छे छे नै फ्यान ने प्रे प्रे म ल्याद कोर्की पुको कदम म लभ युए युए कोदा कुम्बो क्या के कदम म लभ युए युए कोदा कुम्बो क्या के हो चुगु नङ्रे मेगे हो चुगु नङ्रे मेगे मैसे लिसा पङे नै फ्यान ने फिको मैसे लिसा पङे नै फ्यान ने फिको कुमा क्युरी कुमा क्युरी नरव लम लेदे लेदे टुवा तर नभ रङ्जे सम यल्दमा मिसन प्रेरणा ख्याङे कुमा क्युरी नरव लम लेदे लेदे टुवा तर नभ रङ्जे सम यल्दमा मिसन प्रेरणा ख्याङे तिन्न सहर न टुङ्देबे रङ्जे जे के यल्बिदेबे तिन्न सहर न टुङ्देबे रङ्जे जे के यल्बिदेबे रङ्जे पो मने पो म यल्लाबे मम्मी ड्याडी हेर्न ख्याङे रङ्जे पो मने पो म यल्लाबे मम्मी ड्याडी हेर्न ख्याङे मम्मी ड्याडी हेर्न ख्याङे न सर क्युई न सर क्युई सर छैन चौथुवा सर छैन पहिरेन सेमसिबो यल गे तुर्स्या फोटो मैसे पङ्ग चोला भए भा न सर क्युई सर छैन चौथुवा सर छैन पहिरेन सेमसिबो यल गे तुर्स्या फोटो मैसे पङ्ग चोला भए भा लुहाग रङ्जे तने थाग रङ्जे पेग लुहाग रङ्जे तने थाग रङ्जे पेग तिनी नदन थालो चेपेग एङ्गुर नेच कुन्ने सेव तिनी नदन थालो चेपेग एङ्गुर नेच कुन्ने सेव नेच कुन्ने सेव गैजे रङ कर युने गदे छेब तो टेमिदे तिनी गने लेदे लेदे अम्बो पोइ हेन ख्याङ हे समय उल्किदे कि नुवाई उल्किदे हे समय उल्किदे कि नुवाई उल्किदे नैजे तोप टेम ने से लो रेम्पोङ द्या के न ख्याङ नैजे तोप टेम ने से लो रेम्पोङ द्या के न ख्याङ रेम्पोङ द्या के न ख्याङ हो छु हो छु हो छु धन्यवाद। धन्यवाद गणेश बहादुर घलेज्यूलाई। अब म फेरि स्टेजमा आएर तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि दुईजना कविज्यूहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। संस्कृत भाषाका कवि प्राण विष्णु प्रसाद देवकोटाज्यू भर्खरै आइपुग्नु भएको छ, मगही भाषाका कवि मुरली प्रसाद यादवज्यू, र अबको समयमा सिराहाका मैथिली कवि रूपेश कुमार सदायज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। रूपेश कुमार सदाय, उपस्थित सम्पूर्ण गोटेमे हार्दिक अभिवादन। हम रूपेश सदाय, घर जिल्ला सिराहा गाँपा सखुवानन कारकटी वार्ड नम्बर 3 मिर्जापुर छ, और हमर कविता के शीर्षक रहल छै मौन अछि ई आँखि, और हमर कविता अनन्त से शुरू होइ छै। 21औं शताब्दीमे ई युग फेर सँ थाम्ने अछि आजुक अपन पाइला, घुमि रहल अछि समस्त ब्रह्माण्ड लके।
21औं शताब्दी में युग फेर से थामने आजुक अपन पाइला घुम रहल समस्त ब्रह्मांड लके मुदा प्रविधि के युग में भी नहीं रुकल अधम के पाइला सब मुदा प्रविधि के युग में भी नहीं रुकल अधम के पाइला सब सिकल नहीं मनुष्य सद्भाव किया एहन अपना और दोसर के पहचान नहीं रहल पवित्र विश्वास के घाटी मैक रहल किया एहन अपना और दोसर के पहचान नहीं रहल पवित्र विश्वास के घाटी मैक रहल पवित्र विश्वास के घाटी मैक रहल केवल लोभ और लालच बैक केवल लोभ और लालच बैक आजो ने सीख सकल व्यवहार केकरा कहते व्यवहार बिसर के अधर्म के बाटो चुनला के बाद लुटि रहल आजू अपने चेली बेटी सबके इज्जत उड़ा रहल अपने मजाक मुदा तैयो भी चल रहल मन घमंड और शान देखा कर जता तत बलात्कार कर रहल जतई ततई बलात्कार कर रहल कानून हमरे पैसा हमरे सब किछ हमरे गोजी में बैक आँखों का सामने अबला द्रौपदी नारी जेखा वस्त्र चिरहन कर रहल पवित्र वस्त्र चिरहन कर रहल नंगा चलचित्र देखा रहल अपना दुर्योधन समेत के केवल संविधान में मात्र लिखल गेल केवल संविधान में मात्र लिखल गेल अनुसूची धारा नीति नियम सब उल्लंघन देखल गेल केवल संविधान में मात्र लिखल गेल अनुसूची धारा नीति नियम सब उल्लंघन देखल गेल एको रती लागू नहीं भेल मुदा तैयो भी मनाब रहल उत्सव मनमग्न भके भुला रहल मानव संस्कार धूम्रपान और स्वार्थ कामुकता बोकला के बाद नचा रहल नंगा नाच अपने चेली बेटी सबके और ई सब देखो कभी मौन आँख मौन आँख जय देश जय नेपाल। धन्यवाद कवि रुपेश कुमार सदायजी। तपाईलाई यो जानकारी गराउँ कि अब हामीसँग जम्मा 8 जना मात्र कविहरू बाँकी रहनु भएको छ आफ्नो कविता वाचन गर्नु हुनको लागि। अब म रूपन्देहीका उर्दू भाषाका कवि नासिर मोहम्मद अन्सार नेपालीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। नासिर मोहम्मद अन्सार नेपाली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम के इस आखिरी पड़ाव पे मैं महफिल को पुरजोश करने के लिए मुल्क अजीज नेपाल के नाम एक प्यारा नज़्म पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझको इस नज़्म में प्यार देंगे बहुत सारा। बहुत खूबसूरत हमारा वतन है, बहुत खूबसूरत हमारा वतन है, गुलाबों से महका ये प्यारा चमन है, गुलाबों से महका ये प्यारा चमन है। बहारों में कलियों की अंगड़ाइयाँ हैं, बहारों में कलियों की अंगड़ाइयाँ हैं, नज़ारों में कुदरत की रानाइयाँ हैं, नज़ारों में कुदरत की रानाइयाँ हैं। है बलखाती नदियाँ है खामोश झीलें, है बलखाती कलियाँ है खामोश झीलें, है मेची महाकाली हम सब की आँखें, है मेची महाकाली हम सब की आँखें। फलक चूमता है हिमालय को झुक कर, फलक चूमता है हिमालय को झुक कर, लपक कर चहक कर
झलक कर लहक कर चले मेरे धरती से खुशबू हवा की, चले मेरे धरती से खुशबू हवा की, जमाना गवाही दे अमन वफा की, जमाना गवाही दे अमन वफा की। सवारेंगे पढ़ लिख के किस्मत का तारा, सवारेंगे पढ़ लिख के किस्मत का तारा, बनाएंगे नेपाल को सबसे प्यारा, बनाएंगे नेपाल को सबसे प्यारा। वतन की मोहब्बत से सरशार कर दे, वतन की मोहब्बत से सरशार कर दे, तो इसकी हिफाजत में तलवार कर दे, तू इसकी हिफाजत में तलवार कर दे। इलाही तू अंसर का दिल शाद कर दे, इलाही तू अंसर का दिल शाद कर दे, सभी को मोहब्बत से आबाद कर दे, सभी को मोहब्बत से आबाद कर दे। बहुत खूबसूरत हमारा वतन है, गुलाबों से महका ये प्यारा चमन है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। धन्यवाद कवि नासिर मोहम्मद अनसार नेपाली ज्यूलाई। अब म दाङका संस्कृत भाषाका कवि प्राडा विष्णु प्रसाद देवकोटा ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुहुनका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। प्राडा विष्णु प्रसाद देवकोटा। सन्ति नमस्काराः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः, अत्र अध्यक्ष महोदयाय प्राज्ञेभ्यश्च अहं नमस्करोमि। इदानीं खलु अहं नेपालगञ्जतः विमानेन आगच्छन् अस्मि, एतावता मम परिधानं ममानुरूपं नास्ति इति भवन्तः जानन्तु। मम खलु कवितायाः शीर्षकम् अस्ति मम सुन्दरो नेपालः इति। अहं कवितां वच्मि, भवन्तः शृण्वन्तु। हिमालयानां महिमालयानां गिर्वाणवाण्याः बहुलाव्यवस्थितिः, सदा भवा संस्कृतिधर्मवासनाः भवन्ति नेपालकगौरवायिताः। हिमालयानां महिमालयानां गिर्वाणवाण्या बहुलाव्यवस्थितिः, सदा भवा संस्कृतिधर्मवासनाः भवन्ति नेपालकगौरवायिताः। बेसन्ततो बेसी इति ऋतं जनैः, हामीले बेसी बेसी भन्छौँ त्यो संस्कृतको, संस्कृतबाट बनेको शब्द हो। बेसन्ततो बेसी इति ऋतं जनैः, ग्रामश्च गाउँ इति विकृतिं गतः, एवञ्च गाउँ सहितश्च बेसी गाउँ बेसी मातस्तव गौरवायितं। मया नेपाल इति देशः मातृभू, मम मातृभू अस्त्येव, मातृभूत्वेन अत्र वर्णनम् अहं करोमि। बेसन्ततो बेसी इति ऋतं जनै, ग्रामश्च गाउँ इति विकृतिं गतः, एवञ्च गाउँ सहितश्च बेसी गाउँ बेसी मातस्तव गौरवायितं। गौराङ्गिकाः प्राकृतरूपवत्यः, कुमारिका उन्नत यौवनाङ्कुराः, स्वाभाविकाधिण्डनतश्च गौरशैश्चैत्येन पुष्टाश्च मनोहरन्ति। गौराङ्गिका प्राकृतरूपवत्यः, कुमारिका उन्नत यौवनाङ्कुराः, स्वाभाविकाधिण्डनतश्च गौरशैश्चैत्येन पुष्टाश्च मनोहरन्ति। नारङ्गजातीयफलानि कुत्रचित् विभिन्न रोहिणी च रक्तपत्रकं, पक्वानि धान्यानि बहुत्र दूरतो गृहाणि पाच्यानि च संलसन्ति। नारङ्गजातीयफलानि कुत्रचित् विभिन्न रोहिणी च रक्तपत्रकं,
गुरास रोहिणी इति गुरास नारंग जातीय फलानी कुत्रचित विभिन्न रोहिणी च रक्तपत्रकम पक्वानी धान्यानी बहुत्र दूरतो गृहाणी प्राच्यानी च संलसंती नयेन नेपालक भूर्विलोकिता नयेन नेपालक भूर्विलोकिता न संस्कृता गिर्मधुरा च प्राशिता न राजत श्वेत हिमोच्च श्रृंखला विलोकितास्तस्य जनिर्वृथागता नयेन नेपालक भूर्विलोकिता न संस्कृता गिर्मधुरा च प्राशिता न राजत श्वेत हिमोच्च श्रृंखला विलोकितास्तस्य जनिर्वृथागता त्रिविष्टवे नैव हिमालयो महान् मम इयं खलु भावना त्रिविष्टवे नैव महालयो त्रिविष्टवे नैव हिमालयो महान् न नागवल्या लुठिताश्च नद्यः अन्ये च सञ्जीवनिकायुता नगाः न बुद्ध गोरक्ष विदेह भूमयः त्रिविष्टवे नैव हिमालयो महान् न नागवल्या लुठिताश्च नद्यः अन्ये च सञ्जीवनिकायुता नगाः न बुद्ध गोरक्ष विदेह भूमयः नयत्र दीपावली सच्छटायुता ग्रामावली पर्वत तुंगराजिता न शारदार्चाकृत टीकनाशिशौ नाहं समी हे भुवनम तथाविधम नयत्र दीपावली सच्छटायुता ग्रामावली पर्वत तुंगराजिता नयत् राजिता न शारदार्चाकृत टीकनाशिशौ नाहं समी हे भुवनम तथाविधम अत्र अर्थोपि दीयमानः वर्तते अर्थ भवन्तः जानन्तु यदि संस्कृतं न जानन्ति नेपाल्यम अर्थ लिखितो वर्तते भवन्तः पठन्तु मदीय सत्कर्म चयेन तेजिरे जनिर्ममा भूतिति तत्र श्रद्धितः कष्टाधिके सत्यपि भावि जीवने तवैव मातृत्वमहं प्रकामये मदीय सत्कर्म चयेन तेजिरे जनिर्ममा भूतिति तत्र श्रद्धितः कष्टाधिके सत्यपि भावि जीवने तवैव मातृत्वमहं प्रकामये जयतु संस्कृतम् धन्यवाद कवि प्राण विष्णु प्रसाद देवकोटा देवकोटाजी। अब म